आखिरकार 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व रेस्क्यू टीम ने पकड़ लिया। दल ने तेंदुए को बेहोश करके जाल की मदद से पिंजरे में बंद करके उसकी देखरेख शुरू की है। पन्ना टाइगर रिजर्व रेस्क्यू दल की माने तो यह तेंदुआ काफी दिनों से भूखा है, जो शिकार की तलाश में गांव में घुसाया था। इसी बीच सुबह होने के बाद हीरा बंजारा के घर और बाड़े के बीच बैठ गया। तेंदुए के बीमार होने की भी आशंका जताई जा रही है। गांव के सरपंच धैना बंजारा ने सबसे पहले सभी को सूचना दी थी। अमझीर गांव में तेंदुए के होने की सूचना सुबह 8 बजे ग्रामीणों ने दी थी, जिसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व और दमोह वन मंडल के DFO विपिन पटेल, SDO दमोह GS ध्रुवे, SDO खजुराहो PK ठाकुर सहित SDM राकेश मरकाम, तहसीलदार राकेश मरकाम, तहसीलदार सहित SDOP सरिता उपाध्याय के नेतृत्व में मणिया यादव, रजपुरा आदि थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी। शुरुआत में बफर जोन टीम ने तेंदुए को जंगल में भगाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया था। दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मरिया दो बफर क्षेत्र के इंजर गांव में एक तेंदुआ सुबह से घुसाया था, उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करके ले जा रही पन्ना। कितना समय लगा सर रेस्क्यू? कितना समय लगा सर इसे? लगभग आधा घंटा। कहाँ ले जाया जाएगा इसे? ये पन्ना टाइगर जी, ये पन्ना नेशनल पार्क के बफर जोन एरिया में है अमझीर गांव। और यहाँ जो है, क्योंकि बफर एरिया है, नेशनल पार्क में लगा हुआ है, इसलिए नेशनल पार्क से ये तेंदुआ जो है अमझीर गांव में घुस के आ गया था। सुना था कि वो भूखा फिर रहा था, बीमार भी था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब छोड़ा गया तो बहुत ही तेज भागते हुए निकला है, इसलिए नहीं कह सकते कि ये बीमार था या भूखा था। नुकसान ही कुछ करके गया? जनहानि? बिल्कुल नहीं, कोई जनहानि नहीं किया है। जानवरों में कहीं कुछ नहीं? और जिसकी बकरी में पड़ा उबला था, बकरियों की, उस उधर पर किसी बकरी के? नहीं नहीं नहीं, कोई बकरी अकरी किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं किया है।